वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। हमारे खास कार्यक्रम पांच के पंच पे स्वागत है आपका। सबसे पहले बात करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की। पीएम मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात दी है। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहे। और वहीं दूसरी खबर में हम बात करेंगे यूपी की। यूपी एक्सप्रेसवे स्टेट बन रहा है। योगी सरकार लगातार एक के बाद एक एक्सप्रेस बना रही है। अगली खबर में हम बात करेंगे महाराष्ट्र सरकार की। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदल दिया है। और अगली खबर में हम बात करेंगे बारिश की। देश के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ ने बुरा हाल कर दिया है। और दिल्ली एनसीआर में भी आज मौसम ने मिजाज बदल लिया है। आखिर खबर में हम बात करेंगे कोरोना की। कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है। यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र अब विकास की नई रफ्तार छूने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है। इसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे खासकर बुंदेलों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद अब मात्र 6 घंटे में दिल्ली से चित्रकूट पहुँच सकेंगे। ये रिपोर्ट आप देखिए। बुंदेलखंड के विकास की धुरी बनने जा रहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लोकार्पण कार्यक्रम में मुझे विशेष खुशी मिल रही है। कहते हैं कि सड़कें विकास लाती हैं और लोगों के जीवन को बदलती हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बुंदेलखंड की गौरवमय परंपरा को समर्पित किया है। निश्चित ही वह निश्चित एक क्षेत्र के विकास उत्थान में सहायक होने वाली है। इस क्षेत्र में लोगों के जीवन को समृद्ध करने वाली है। पीएम मोदी ने जालौन में एक्सप्रेसवे के उद्घाटन अवसर पर कहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से इस क्षेत्र में संपन्नता के द्वार खुलेंगे। बुंदेलखंड के दूर दराज इलाकों में भी उद्यम कारोबार को गति मिलेगी। यही नहीं, इसके जरिए किलों को देखने का टूरिज्म विकसित होगा। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की अपनी शौर्य गाथा रही है। आजादी की लड़ाई में इस क्षेत्र का अपना बड़ा योगदान है, लेकिन इस क्षेत्र पर कम ध्यान दिया गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे निवेश और रोजगार में सहायक बनेगी। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुंदेलखंड के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था को नया आयाम मिलेगा। यहाँ कृषि, उद्यम, वाणिज्य, शिल्प, पर्यटन, शिक्षा का विकास होगा। वैसे तो 296 किलोमीटर लंबी बुंदेलखंड एक्सप्रेस को चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा जैसे जिलों में लोगों की आवाजाही की सुविधा बढ़ाएगा, लेकिन इसके दूसरे बहुत से आयाम भी हैं। इसके जरिए बुंदेलखंड न केवल देश की राजधानी से सीधे जुड़ने जा रहा है, बल्कि इसके माध्यम से आसपास के गाँवों के विकास की प्रक्रिया तेज होगी। उस बुंदेलखंड की धरती को आज एक्सप्रेस वे का ये उपहार देते हुए उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते, उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधि के नाते मुझे विशेष खुशी मिल रही है। भाइयों और बहनों, मैं दशकों से उत्तर प्रदेश आता जाता रहा। यूपी के आशीर्वाद से पिछले 8 साल से देश का प्रधान सेवक के रूप में कार्य करने का आप सबने जिम्मा दिया है, लेकिन मैंने हमेशा देखा था अगर उत्तर प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण चीजें जोड़ दी जाए, उसकी कमी को अगर पूरा कर दिया जाए, तो उत्तर प्रदेश चुनौतियों को चुनौती देने की बहुत बड़ी ताकत के साथ खड़ा हो जाएगा। बुंदेलखंड दशकों से पानी की समस्या से जूझता रहा है, साथ ही विकास की भी उसे दरकार रही है। ऐसे में सावन के शुरू में बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे की सौगात खुशनुमा मौसम की तरह है। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र का सहयोग लेकर डबल इंजन सरकार के कामों में एक्सप्रेसवे को प्राथमिकता में रखा है। सीएम योगी ने अपने शासन में सड़कों के विकास पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है।
इसी का नतीजा है राज्य बहुत जल्दी 13 एक्सप्रेसवे के साथ देश का पहला राज्य बन जाएगा। राज्य में जिन एक्सप्रेसवे पर तेजी से काम चल रहा है उसमें एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जनता को अब समर्पित किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 4 लेन का है। इस एक्सप्रेसवे पर 250 से ज्यादा छोटे पुल लगाए गए हैं जबकि 15 बड़े फ्लाईओवर हैं। एक्सप्रेसवे में 6 टोल प्लाजा 12 से ज्यादा बड़े पुल बनाए गए हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट के भरतकूप से शुरू होकर इटावा होते हुए कुदरौल के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में मिलेगा। यहीं से आगे यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते दिल्ली से जुड़ेंगे। इसे ग्रीन एक्सप्रेसवे के स्वरूप में लाने के लिए 7 लाख पौधारोपण किया गया है। दरअसल बुंदेलखंड के जीवन और संस्कृति के विकास उत्थान की सोच के साथ कई पहलुओं पर सोचा गया था। केंद्र सरकार ने शुरू में राज्य में औद्योगिक रक्षा गलियारों के तहत जिन 6 क्लस्टरों की पहचान करते हुए गलियारा स्थापित किया था उसमें लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, आगरा, अलीगढ़, कानपुर शहर शामिल थे। इन गलियारों के लिए भी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की अहमियत होगी। बुंदेलखंड के 200 गांवों के लोग महसूस कर रहे हैं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से उनके लिए प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। बुंदेलखंड की अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत रही है। आजादी की लड़ाई लड़ते बुंदेलों का अपना एक गौरव का इतिहास रहा है लेकिन इस क्षेत्र को अपने विकास उत्थान की हमेशा दरकार रही है। माना जा रहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यहां के आर्थिक उन्नति में सहायक होगा। यहां का हस्तशिल्प कारोबार उद्यम को नया परिवेश मिलेगा, नया आधार मिलेगा। बुंदेलखंड में खुशी का माहौल है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से उत्साह का संचार है। बुंदेली गीत वहां फिजाओं में गूंज रहे हैं। यूपी एक तरह से एक्सप्रेसवे स्टेट बनने जा रहा है। वो एक दिन दूर नहीं है जब यूपी 13 एक्सप्रेस वाला पहला राज्य बन जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ ही राज्य में 7 एक्सप्रेसवे बन चुके हैं। राज्य में 6 एक्सप्रेसवे पर तेजी से काम चल रहा है। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता राज्य में एक्सप्रेसवे तैयार करने की है और सोच यही है कि एक्सप्रेसवे होंगे गाँव कस्बों का भी तेजी से विकास होगा। एक्सप्रेसवे जीवन के बहुत बड़े बदलाव के लिए है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की सरकार ने एक्सप्रेसवे के जरिए तेजी से विकास की कल्पना की। राज्य सरकार ने अपनी प्राथमिकता में राज्य भर में एक्सप्रेसवे बनाकर राज्य समृद्ध करने का संकल्प लिया। ये संकल्प केवल चुनावी वादे और कागजों तक सीमित नहीं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पहले दौर में राज्य को 6 एक्सप्रेसवे की सौगात मिली। राज्य सरकार दूसरी पारी में बुंदेलखंड के सपने पूरा करने जा रही है। इस तरह राज्य अब 7 एक्सप्रेसवे के साथ समृद्धि की ओर देख रहा है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार को डबल इंजन की सरकार इस मायने में कहा जाता है कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार अपनी कई योजनाओं को धरातल पर उतारती रही है। इसीलिए मोदी योगी के संयुक्त प्रयासों को डबल इंजन की सरकार कहा गया है। डबल इंजन का सबसे प्रभावी असर कहीं दिखा तो वो एक्सप्रेसवे के रूप में नजर आया। ये माना गया कि एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का माध्यम ही नहीं बनते बल्कि इसके जरिए आर्थिक प्रगति होती है, औद्योगिक विस्तार होता है, रोजगार मिलता है, क्षेत्र का शिल्प उद्यम को बढ़ावा मिलता है। एक सड़क अपनी पूरी दूरी में उससे आसपास जुड़ने वाले गांव कस्बों के जीवन को बदलती है। यूपी में जिन एक्सप्रेसवे में वाहन दौड़ रहे हैं उनमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का अपना महत्व है। 13,000 करोड़ की लागत से बना आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे उन्नाव, कानपुर, हरदोई, औरैया, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, फिरोजाबाद से होते हुए आगरा को जोड़ता है। आगरा एक्सप्रेसवे में 13 बड़े और 52 छोटे पुल बनाए गए। इस एक्सप्रेसवे में 5 नदियां पड़ती हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे महत्वाकांक्षी योजना रही है। 341 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे लखनऊ से होते हुए बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ,
गाजीपुर होते हुए 9 जिलों से गुजरता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ सुल्तानपुर राजमार्ग पर चंदस राय गांव से गाजीपुर जिले के हल्दरिया गांव पर खत्म होता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इस मायने में दूसरे एक्सप्रेसवे से अलग है कि युद्ध या प्राकृतिक आपदा के समय यहां वायुसेना के विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए एयर स्ट्रिप भी बनी है। 340 किलोमीटर का 6 लेन वाला ये यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। इसे औद्योगिक रूप से पिछले पूर्वी यूपी की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण माना गया, साथ ही स्थानीय लोगों को भी इससे रोजगार की संभावना बढ़ी। पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। मेरठ एक्सप्रेसवे को लगभग 9000 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इस एक्सप्रेसवे पर सरायकाले खां से डासना तक 14 लेन की सड़क बनी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। मेरठ एक्सप्रेसवे को 4 चरणों में पूरा किया गया था। एक्सप्रेसवे के किनारे 2 लेन का नेशनल हाईवे 9 है। एनएच के बराबर 2 लेन की सर्विस रोड भी है। मेरठ एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी तक का सफर आसान हुआ है। यूपी में यमुना एक्सप्रेस ग्रेटर नोएडा से नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा के रास्ते आगरा को जोड़ता है। इसके निर्माण में 12,839 करोड़ की लागत आई है। इसे एक तरह से यूपी का पहला एक्सप्रेसवे कहा जाता है। यमुना एक्सप्रेस वे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को ताज नगरी से जोड़ता है। ये भारत के सबसे व्यस्त एक्सप्रेसवे में से एक है। ये नोएडा के परी चौक से शुरू होकर आगरा के कुबेरपुर में पूरा होता है। 6 लेन वाले यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई 165 किलोमीटर है। 165 किलोमीटर एक्सप्रेसवे में 7 इंटरचेंज हैं। इसमें 26 अंडरपास हैं, 45 छोटे पुल और एक रेलवे ब्रिज बना है। यूपी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे राज्य को एक नई सौगात है। बुंदेलखंड का एक बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जरिए बुंदेलखंड सीधे दिल्ली से जुड़ जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और जालौन जैसे जिलों से गुजरेगा और यहां के विकास को पंख देने का काम करेगा। सीएम योगी की सरकार राज्य में एक्सप्रेसवे का जाल खड़ा कर रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। वैसे तो 296 किलोमीटर लंबी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन जैसे जिलों में लोगों की आवाजाही की सुविधा बढ़ाएगा, लेकिन इसके दूसरे बहुत से आयाम भी हैं। इसके लिए बुंदेलखंड न केवल देश की राजधानी से सीधे जुड़ने जा रहा है, बल्कि इसके माध्यम से आसपास के गांवों के विकास की प्रक्रिया तेज होगी। गौरतलब बात यह है कि 2020 में पीएम मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बनने में 14,850 करोड़ रुपए की लागत आई है। निश्चित तौर पर यह एक्सप्रेसवे हाईवे बुंदेलखंड की भाग्य रेखा बनने जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने से यूपी के खासकर 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा को आवाजाही की सुविधा मिलेगी। यूपी सरकार के राज्य में एक्सप्रेसवे के विस्तार के लिए जो महत्वपूर्ण योजनाओं में युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, उनमें गंगा एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे शामिल है। राज्य सरकार इन सभी प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रही है। 13 एक्सप्रेसवे राज्य की पूरी तस्वीर को बदल देंगे। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।